हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे अच्छे होंगे। एंड आज जो ये तीज फेस्टिवल तनिष्क के शोरूम में ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ के कुछ क्लिप्स हम लेके आए हैं। यहाँ पे तीज के शुभ अवसर पे तीज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था एंड सारे जो भी तनिष्क के कस्टमर्स थे उन सबको इन्वाइट किया गया था। सब लोग वहाँ पर आए थे, हम सब ने खूब इंजॉय किया। वहाँ काफ़ी अच्छी पार्टी थी, वहाँ का डेकोरेशन भी काफ़ी प्यारा था, आप सब देख सकते हो वीडियोस में। एंड काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट थी वहाँ की, तनिष्क की ओर से काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। ये हमारी मामी जिनके हाथ में मेहंदी लगाई जा रही है और काफ़ी प्यारा मेहंदी लगाया था उन्होंने। ये लोग दिल्ली से आए थे स्पेशली मेहंदी लगाने के लिए। सब लोगों के हाथों पे इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी और काफ़ी एक्सपर्ट लग रहे थे लोग। आई मीन एक एक दिन में लोग 400 लोगों के हाथ में मेहंदी लगा रहे थे। तीन लोग मिलके इतने सारे लोगों के हाथों में मेहंदी लगा रहे थे। और मेहंदी ऐसा भी नहीं कि उन्होंने काफ़ी मतलब ऐसी एवरेज टाइप लगाया था, काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी सबने। उसके बाद में ये है फूल मैं जिसके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। हाँ, और मेरी दीदी के हाथों में मेहंदी लगाई गई थी, मतलब क्लिप आई थिंक लास्ट में ऐड हुआ है, वो मैंने किया था स्टार्टिंग में। तो इसी वीडियो में आप उनके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है, आप देख सकते हो। तो कैसी लग रही हूँ मैं? वीडियो के एंड में ज़रूर अपना फीडबैक देंगे हमारे कमेंट सेक्शन में। एंड डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था, सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पर। काफ़ी बहुत सारे ऐसे लोग हमारे जान पहचान के भी लोग मिले जिनसे हमारी मुलाकात हुई, सब ने वहाँ पे मेहंदी लगवाया, फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, वीडियोस बनाए। बहुत सारे लोगों ने इतने सारे रील्स बनाए कि रील्स बना बना के पका दिया वहाँ के सारे लोगों को। सब लोगों की मेहंदी लगी है। आई मीन हम तीनों में सबसे अच्छा मेहंदी मेरा लगा था। आप लोग देखिए अभी मेहंदी कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। और सॉरी फ्रेंड, मैं अपनी दी वाली क्लिप डालना भूल गई। और ये रही मेरी दी जिनके हाथों में मेहंदी लग रही है, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये रही मामी जी जो कि पोज दे रही हैं। वाह मामी, बहुत मस्त मेहंदी है, थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में।